हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूरी रानी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को मालूम है हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के टू डिजिट्स नंबर। हम लोग जापानीज ट्रिक्स कर लिए, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए, लेकिन अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट टेंस प्लेस में सेम नंबर रहा तो हम कैसे उसे इजी ट्रिक्स में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 24 मल्टीप्लाई 26, ओके अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, ये है वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। ओके, पहले हम लोग वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे। तो 4 6 जा कीजिए या 6 4 जा कीजिए, आंसर तो हमारा 24 ही आने वाला है। तो 4 6 जा या 6 4 जा, 24। यहाँ पे आपको क्या करनी है, 24 लिख देनी है। ओके, अब हम लोग आएंगे टेंस प्लेस में। टेंस प्लेस में क्या करनी है कि जो डिजिट हमारा दिख रहा है, यानी कि 2, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो हमें क्या करनी है कि 1 प्लस करनी है उन नंबर में। यानी 2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे, जैसे कि 2 में अगर प्लस 1 किए तो 3 हो गया, हुआ या नहीं। तो 2 में प्लस 1 किए 3, अब इस 3 को क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 3 2 6, आंसर हो गया 624। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हम नंबर लिए 63 और 67। ओके, अब 63 और 67 को कैसे सॉल्व करनी है, सेम ट्रिक्स। वंस प्लेस के पहले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 37 जा या 73 जा, आंसर तो 21 ही आएगा, हम यहाँ 21 लिख दिए। ओके, अब हमें क्या करनी है, टेंथ प्लेस में देखना है। टेंथ प्लेस में दोनों 6 है, क्या करनी है, प्लस 1 करनी है। तो 6 में अगर हम प्लस 1 करेंगे 7 होगा, होगा या नहीं। तो 7 मल्टीप्लाई 6, जो भी नंबर है उसमें हम प्लस 1 करेंगे, जितना आएगा उसमें हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आया कितना, 7। 7 में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42। तो आंसर क्या हुआ, 4221। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नंबर ली 47, ठीक है, 47 मल्टीप्लाई 43। अब हमें ये क्या करनी है, सेम प्रोसेस, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 37 जा या 73 जा, आंसर तो 21 ही आएगा। तो हमें बस यहाँ पे 21 लिख देनी है, हो गया। अब चलिए टेंस प्लेस में, 4 नंबर है तो 4 से प्लस 1 करेंगे, 4 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, आएगा या नहीं। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा, कितना हुआ, बोलिए 20। चलिए हम यहाँ पे 20 लिख दिए, आंसर विल बी 2021। आप इस इजी ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई होगी, जब हमारा टेंस प्लेस में सेम नंबर रहेगा। ओके, ये आपको समझ में आ गई है, हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा टेंस प्लेस में सेम नंबर रहा तो आप ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी कि वंस प्लेस में अगर सेम नंबर रहा तो उसे इजी ट्रिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सारे बच्चों के पास पहुंच सके। ओके, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मल्टीप्लिकेशन के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और फिंगर एबेकस के आप उस लिंक को क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।